पता नहीं क्या कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं हॉस्टल से निकल के एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, मतलब कि बोलते हैं ना ठेला है। वैसे ये सारी साइकिल्स है ना जो फ्री में है। अंडा मैं जा रहा हूँ क्राबी, लेकिन अभी ऑफिस वाले बोल रहे हैं मीटिंग में कि कैमरा ऑन करो। अब क्या बताओ उनको कि मैं दूसरी कंट्री में और कहीं और ही जा रहा हूँ। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है, आ गया हूँ मैं एक नए वीडियोस के साथ। आज मैं हूँ अभी हाथियाई में, यहाँ पे मैं दो दिन रुका। बहुत अच्छा मार्केट है, मंडे को सब बंद रहता है, बट आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्राबी। अब यहाँ पे दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो बस से जा सकते हैं। बस से जाएंगे तो 400 बात लगेगा, करीबन 1000 रुपया। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा देखता हूँ दूसरी तरीके से। दूसरा तरीका ये है, हमें थंगसंग जाना पड़ेगा जिसका प्राइस है कुछ 85 बात, मतलब करीबन 200 रुपये तक लगेगा। फिर वहाँ से 80 किलोमीटर ही डिस्टेंस है क्राबी का, वहाँ से कुछ और फाइंड कर लेंगे। तो देखता हूँ कि आज का सफ़र कैसा रहता है, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ये आ गए रेलवे स्टेशन, अब देखते हैं कि क्या है यहाँ का प्राइस। हाउ मच बात? 35। ओके गिव मी वन। पासपोर्ट? ओके पासपोर्ट चाहिए भाई इनको। पासपोर्ट क्यों मांगते समझ में नहीं आता, मुझे तो लग रहा था कि कुछ 85 लगेगा। कोई बात नहीं, थॉमसन जंक्शन। यस ओके, विच प्लेटफॉर्म? ओके थैंक यू। चलो भाई, अपने को तो टिकट मिल गई, कुछ ऐसी टिकट है और 11 बजे की ट्रेन है। वैसे जहाँ से मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से यहाँ की दूरी करीबन 5 मिनट वॉकिंग है। 1 किलोमीटर अगर गाड़ी से जाएंगे तो और वॉक करके जाएंगे तो 5 मिनट। बैग पेपर्स करके है तो वहाँ पे आप जाके रुक सकते हैं अगर यहाँ पे आएंगे। अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। यहाँ का स्टेशन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अच्छा खासा है, बोलते ना लोकल ट्रेन जैसा बोलते हैं। जैसे मैं कल परसों में यहाँ पे आया था वैसा ही है सेम। ट्रेन के अंदर मैं तो आ गया, लेकिन यहाँ की जो सीटें हैं वो लकड़ी की सीटें हैं, एकदम कठोर। अपने यहाँ पे कैसा गद्देदार है, यहाँ पे एकदम लकड़ी की सीट है। और अब ये ट्रेन लेके जाएगी हमें थंगसंग, 4 घंटे लगेंगे जाने में। करीबन ये पहुँचाएगी मुझे 3:30 पे, 4 घंटे से ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे देखना कि क्राबी कैसे जाने वहाँ से। ट्रेन का सफ़र चालू हो चुका है, देखते ये सफ़र कैसा रहता है। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ थॉमसंग के रेलवे स्टेशन पर। जर्नी बहुत अच्छी थी, 4 घंटे की थी। यहाँ के स्टेशन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे यार, ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन अच्छे खासे हैं। और अब देख रहा हूँ यहाँ से कैसे जाने का है, उसके पहले थोड़ा कुछ पेट पूजा हो जाए, कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से कैसे जाना है यहाँ से। क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था कि यहाँ से बस भी नहीं जाती है, और अगर बस जाती है तो मेरे लिए तो अच्छा, क्योंकि यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। अभी मैं एक नाइट मार्केट में आ गया हूँ, वैसे अभी नाइट नहीं है, अभी डे है, बट स्टिल बोलते हैं ना, यहाँ पे मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो खाते हैं। किसी से पूछा कि कहाँ पे जाओ तो बोले कि यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रीट फूड है। बहुत सारा, बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रीट फूड है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं मलेशिया में और हाथियाई में। तो बस मैंने नूडल और वेज नूडल और सूप बोला है तो मुझे आ गया है ये सब। मैंने अभी एक पता कर लिया है, करीबन अगर हमें यहाँ से जाना है क्राबी के लिए, तो क्राबी के लिए अपने को करीबन 150 बात, मतलब करीबन देखने जाएंगे तो 350 या तो 380 तक में अपना काम हो जा रहा है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ से मैं बस पकड़ सकता हूँ, क्योंकि शाम के 5 बजे की बस है और मेरे को ये भी यहाँ पे हो गए हैं 4, तो मेरे पास 1 घंटा बचा है अभी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हिचहाइकिंग करने से अच्छा कि मैं बस ले लेता हूँ, और वैसे भी मैंने 200 बात ऑलरेडी सेव कर चुका है, तो मेरे लिए तो फायदेमंद हो चुका है। एक चीज मुझे दिखी रास्ते में, मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं क्या कर रहे, फोटो शूट कर रहे कि क्या कर रहे, लेकिन यहाँ पे ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन लोग पता नहीं क्या, कौन सा स्टाइल है ये। ये रहा तांगसोंग का बस स्टेशन, और मुझे यहाँ से ही गाड़ी मिली है। ये आपको सामने दिख रही है गाड़ी, ये वाली, उसके जो बाजू वाली है वो लेके जाएगी अपने को क्राबी। 150 बात है, 380 रुपया, ठीक ही है। लेट हो गया, वैसे भी मैंने बुकिंग करके रखा 1 दिन का। अभी मैं आ चुका हूँ इसमें, और ये कुछ ऐसा स्पेस है। 100 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर। मैं जा रहा हूँ क्राबी, लेकिन अभी ऑफिस वाले बोल रहे हैं मीटिंग में कि कैमरा ऑन करो। अब क्या बताओ उनको कि मैं दूसरी कंट्री में और कहीं और ही जा रहा हूँ। क्या चल रहा है, लेकिन ये जबरदस्ती बोलते हैं कि कैमरा चालू करो। क्या करेंगे चेहरा देख के, मिलना तो है नहीं, वर्क फ्रॉम होम चालू है, बट स्टिल अननेसेसरी थिंग। चलो पहुंच तो गया मैं क्रैबी कैसे करके, और उसी के साथ में ऑफिस का काम भी आ गया यार, क्या बोलूं। मुझे लग रहा था कि नेटवर्क नहीं रहेगा, लेकिन कैसे भी करके यार नेटवर्क वेटवर्क सब बरोबर था। अब बस यहाँ से जाना है हॉस्टल, यहाँ से मैंने एक हॉस्टल बुक करके रखा है, करीबन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखता हूँ कोई सहायता मिलती है कि नहीं, अगर सहायता मिल जाएगी तो चले जाएंगे, वरना तो फिर जाते हैं कैसे ना कैसे करके। पांच किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई यार, अच्छा हुआ। चलो अब बस 300 मीटर खुद चल के जाने का है, और जाता हूँ हॉस्टल में। वैसे मैंने जो हॉस्टल बुक किया है उसका प्राइस है कुछ 500 रुपया है, मैंने बुक किया है, मतलब करीबन कितना हो गया, 200 बात। अब मैं जा रहा हूँ, उनको देखता हूँ कि एक्चुअल में है कैसा। ऑनलाइन तो उसका रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, देखते है कि एक्चुअल में कैसा है। ये वाला हॉस्टल है PNBO टेक्यू हाउस, बाहर से तो खूब अच्छा है, अंदर से देखते हैं कैसा है। मैं अभी आ चुका हूँ इस हॉस्टल में, और ये हॉस्टल अंदर से बहुत ही अच्छा है, मतलब कि क्लीन, और देखने जाऊँगा तो जो डोरमेट्री सर्विस है वो एकदम मस्त है, गद्दे एकदम सॉफ्ट है, वॉशरूम एकदम क्लीन है, और स्पेस बहुत बड़ा है, तो मुझे तो अच्छा लगा। 500 रुपये में मैं सोच रहा हूँ अभी बात करता हूँ, थोड़ा सा मुझे और 1-2 दिन और रुकना है यहाँ पे, देखना है कि कैसा है, तो सोच रहा हूँ बात करता हूँ। अगर मेरे लिए मान जाते हैं वो लोग तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, कम पैसों में लेके। देखता हूँ, जाके बात करता हूँ पहले। अभी मैं हॉस्टल से निकल के एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, मतलब कि बोलते हैं ना ठेला है, जैसा अपना स्ट्रीट फूड कैसा होता है, वहाँ पे कुछ खाने के लिए बहुत भूख लगी सुबह से। एक जगह पे जहाँ पे मैं दोपहर में रुका था तांगसोंग में, वहाँ पे भी खा नहीं पाया यार, क्योंकि वो पता नहीं कैसा टेस्ट लग रहा था। मैं भी 3-4 बाइट खाया, और फिर मतलब कि मन नहीं किया खाने का एक्स्ट्रा, तो मैंने खाया नहीं वहाँ पे। अब मैं फिर से आया हूँ, यहाँ पे मैंने रोटी और बनाना बोला है। क्राबी का जो मार्केट है, शायद से आज वीकेंड नहीं है, आज रेगुलर डे है, इसलिए इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ऐसा रहा आज का दिन, कुछ ट्रैवल किया मैंने फ्रॉम हाथियाई से तांगसोंग, तांगसोंग से यहाँ तक क्राबी तक मुझे करीबन आने में 5 से 6 घंटे लग गए आने में, और अगर मैं डायरेक्टली हाथियात से यहाँ आता तो 4 घंटे लगते, और 400 बात मतलब 1000 रुपये। लेकिन मैं हाथियाए से तांगसोंग गया, तांगसोंग से क्राबी आया, और लगे 6 घंटे, लेकिन मैंने मैंने एक्सपेंड किया करीबन 185 बात। 185 बात कितना हो गया, 450 के करीबन हो गया। तो अगर देखने जाएंगे तो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा, लेकिन मैंने 200 बात बचा लिए, मतलब 500 रुपये बचा लिए, तो अपने लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।